आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सेटजेब रूल एंड व्हाट इज द हॉफमैन्स रूल। ठीक हो गया भाई? सेटजेब का रूल क्या बोलता है और हॉफमैन का रूल क्या बोलता है। ठीक हो गया? इसे जेटसेब भी बोलते हैं बहुत जगह। सेटजेब को क्या भी बोलते हैं? जेटसेब रूल भी बोलते हैं। ठीक हो गया? तो याद रखना, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक रिलेटेड है ओरिएंटेशन 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 इन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में किस तरह का ओरिएंटेशन होगा ये टॉपिक उससे रिलेटेड है भाई। ठीक हो गया? व्हाट इज द सेटजेब रूल, व्हाट इज द हॉफमैन रूल। ठीक हो गया? देखो भाई, अभी तक मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो सबस्ट्रेट था वो इस तरह से था। क्या था? आर सिंगल बॉन्ड सी, ये क्या है यहां पे एक एच, ये एच सिंगल बॉन्ड सी, यहां पे क्या था एक्स, ये वाला था एच और ये वाला था एच। ठीक हो गया? अब देखो भाई, बात करो कार्बन्स की, तो ये वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और ये वाला क्या है बीटा कार्बन। ठीक हो गया? देखो भाई, याद रखना मेरे पास यहां पे एक ही बीटा कार्बन है सनमाया, जिसपे दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक ही जैसे है। ठीक हो गया? यानी कि जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा किसी भी एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यूं करके, फिर ये वाला बॉन्ड यहां टूट जाएगा और ये वाला कहां चल जाएगा, बाहर चले जाएगा। ठीक हो गया? नॉर्मल एलिमिनेशन मैंने ऐसे बोल दिया, इसे ई टू एलिमिनेशन भी बोला जा सकता है। ठीक हो गया? अब देखो भाई, अब देखो, लेकिन यहां पे तो ओरिएंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम ऑफ ओरिएंटेशन, नो प्रॉब्लम ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये वाला है H, यहां पे है H सिंगल बॉन्ड C, ये है X, ये है H सिंगल बॉन्ड, क्या आएगा C, ये वाला है H H और H। ठीक हो गया भाई? अब देखो, अब मेरे पास है बेस, क्या है बेस, बेस है तो एलिमिनेशन ही होगा। ठीक हो गया? सब्स्टिट्यूशन की मैं यहां पे बात ही नहीं करूंगा। देखो भाई, जिस कार्बन पे ये हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके जो बगल वाला होता है उसे बीटा बोलते हैं, और बगल वाला ये वाला भी है इसको भी क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। देखो भाई, यहां पे दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। ठीक हो गया? एक टाइप के तो ये दोनों हो गए, ठीक हो गया, और एक टाइप के बीटा हाइड्रोजन ये हो गए, ये। ठीक हो गया भाई? यानी कि बेस के पास चॉइस है, वो किसी को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया? देखो भाई, अगर बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक हो गया, तो क्या होगा, ये वाला यहां जाएगा और ये वाला कहां चल जाएगा, बाहर। ठीक हो गया? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, उस पे क्या है एक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड C, ये क्या है H और इस पे क्या है भाई H। ठीक हो गया? ये बना प्रोडक्ट। दूसरा भी मेरे पास क्या है, दूसरा भी मेरे पास तरीका है। जो बेस था उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये वाला बॉन्ड यहां गया और ये वाला ग्रुप इस तरह से बाहर हुआ। ठीक हो गया? तो देखो भाई, ये पहला वे था और ये वाला दूसरा वे है। ठीक हो गया? दूसरे वे से देखो प्रोडक्ट क्या बना। देखो यहां पे आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब क्या आएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है यहां पे। ठीक हो गया? एक तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा CH3 ये वाला। ठीक हो गया भाई? इस टाइप का मेरे पास प्रोडक्ट बना। ठीक हो गया? यहां पे CH2 है भाई। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, समझ में आया, ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड से कितने एल्किल ग्रुप जुड़ रखे हैं, देखो यहां पे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ रखा है, समझ में आया, तो ये क्या हो गया वन सब्स्टिट्यूटेड हो गया, क्या हो गया वन सब्स्टिट्यूटेड हो गया, समझ रहे हो। अब देखो भाई, दूसरा वाला प्रोडक्ट देखो, यहां पे क्या है डबल बॉन्ड, कितने सब्स्टिट्यूशन है, एक एल्किल ग्रुप ये है और दूसरा एल्किल ग्रुप ये है। ठीक हो गया? तो कितना सब्स्टिट्यूशन है, टू सब्स्टिट्यूटेड है, टू सब्स्टिट्यूटेड है,
समझ रहे हो? अगर ऐसे ग्रुप चार होते तो चार सब्स्टिट्यूटेड होते, ठीक हो गया भाई? देखो भाई, ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं सेट जैप प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेट जैप प्रोडक्ट, ठीक हो गया? ये सेट जैप प्रोडक्ट आया। और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक हो गया? अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसको बोलते हैं सेट जैप प्रोडक्ट, और अगर कम सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक हो गया? अब देखो भाई, अब देखो, अब बनेंगे तो दोनों के दोनों यहां पे, ठीक हो गया? क्योंकि दो बीटा हाइड्रोजन है तो बनेंगे दोनों प्रोडक्ट। अब लड़ाई है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन से आएगा, हॉफमैन से आएगा, या सेट जेब से आएगा, या जेड सेब से आएगा? सेट जेब से आएगा, ठीक हो गया भाई? अब ये लड़ाई है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड। और जो सेट जेब प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, ठीक हो गया? तो देखो भाई, सेट जैप रूल में आप लोगों को लिखा देता हूं। देखो भाई, जो सेट जैप रूल है, सेट जैप रूल जो है वो क्या बोलता है? सेट जैप रूल बोलता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलता है? इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन, मतलब एल्कीन, ऑलिफिन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और अगर मैं हॉफमैन रूल की बात करूं, किसकी बात करूं? हॉफमैन रूल की, तो हॉफमैन रूल क्या बोलता है? हॉफमैन रूल बोलता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन, ऑलिफिन का मतलब एल्कीन है भाई, ऑलिफिन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक बोल रहा है जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ठीक हो गया, वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक हो गया भाई? एक तो ये बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिन्स है, समझ में आया, वो क्या होते हैं? मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक हो गया? तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं भाई, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताना है कि कब सेट जैप रूल लगेगा भाई, और कब हॉफमैन रूल लगेगा, समझ में आया? तो देखो भाई, मुझे देखना है कि कब हॉफमैन रूल लगेगा और कब सेट जैप रूल लगेगा, ठीक हो गया? देखो भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो उसमें कब हॉफमैन रूल लगेगा, उसमें कब हॉफमैन रूल लगेगा? तो देखो भाई, देखो भाई, अगर मेरे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में लीविंग ग्रुप इस टाइप के हैं, लीविंग ग्रुप इस टाइप के हैं, किस टाइप के भाई? देखो, अगर मेरे पास लीविंग ग्रुप ये है, कौन कौन से लीविंग ग्रुप? ये वाला देखो, एन प्लस एमई, एमई और एमी। अगर मेरे पास इस टाइप के लिविंग ग्रुप है, ठीक हो गया, या एस आर आर इस टाइप के ग्रुप है, ठीक हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ये वाला। या तुम्हारे पास क्या है? फ्लोरीन है, लिविंग ग्रुप, ठीक हो गया। या तुम्हारे पास क्या है? लिविंग ग्रुप ये वाला है, एन प्लस ओ माइनस आर और आर। देखो भाई, याद रखना, इस टाइप के लिविंग ग्रुप है तो हमेशा क्या होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई? हॉफ
हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा देखो भाई, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास स्टेरिकली हिंडर्ड बेस आया, क्या आया? स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस आया, ठीक हो गया। स्टेरिकली ज्यादा ही हिंडर्ड बेस है, हिंडर्ड बेस है, ठीक हो गया। स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है तो याद रखना हमेशा क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक हो गया। ज्यादा ही खतरनाक बेस आ गया है, ज्यादा ही खतरनाक बेस आ गया है तो हमेशा क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। लाइक LTMP लिखा रखा था ना आपको, LTMP हो गया। अगर आपके पास DBU है ये आया है, या DBN है ये आया है, ठीक हो गया। या आपके पास क्या आया है, LHMDS करके बताया था, ये स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है तो आपका हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक हो गया भाई। तो याद रखना, याद रखना, इस टाइप के लिविंग ग्रुप हुए, अगर ये लिविंग ग्रुप आपके पास हुए तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। और याद रखना, ये स्टेरिकली हिंडर्ड बेस अगर आपके पास हुआ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक हो गया। अगर इनके अलावा कुछ और है तो याद रखना हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेडजेप प्रोडक्ट बनेगा भाई, ठीक हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट बुक से रिफाइन की है भाई, कि आपको सेडजेप और हॉफमैन रूल में कोई कोई भी दिक्कत ना आए भाई, ठीक हो गया। तो देखो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसको रैपअप करते हैं। देखो भाई, आप लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल लेके आया हूं, ठीक हो गया। देखो यहां पे आपके पास क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक हो गया, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक हो गया। कोई, याद रखना, कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो मेरे माइंड में एकदम से हिट करेगा कि ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मेरे माइंड में हिट करेगा। लेकिन लेकिन अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे सारे जो मार्क्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड खत्म, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी जीरो, एक मार्क्स नहीं देगा वो, ठीक हो गया। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो एलजी है लिविंग ग्रुप वो क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन मैंने बोला था भाई ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये जाएगा ही नहीं, ठीक हो गया। तो क्या होता है, जब लिविंग ग्रुप बैड होता है तो वहां पे एलिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक हो गया, एलिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो भाई, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, अगर लिविंग ग्रुप आपका फ्लोरीन है, एफ है, ठीक हो गया, तो याद रखना हमेशा क्या होता है, हॉफमैन वाला प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? हॉफमैन। देखो भाई, हॉफमैन का मतलब क्या होगा, इसे H2 लिख लो, एक एच बाहर कर लो, ठीक हो गया। इसको एच लिख लो और एक एच कहां कर लो, बाहर कर लो। दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो गए तो ये निकलेगा तो यहां से लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये निकलेगा तो यहां पे क्या बनेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हॉफमैन हो रहा है तो क्या बनेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक हो गया। यहां पे एक एच है सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या आ जाएगा इसके साथ, CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट बन गया हॉफमैन प्रोडक्ट। सेडजेप क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां पे जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, एफ है, और एफ में क्या बनता है, एलिमिनेशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ये भी बता दिया भाई, ठीक हो गया। देखो भाई, यहां पे क्या है, कंसंट्रेटेड सिचुएशन है, ड्रेस्टिक सिचुएशन है, ठीक हो गया, और चीजों को हीट भी किया जा रहा है तो इसका मतलब होगा तो एलिमिनेशन ही, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक हो गया। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या सिस्टम है, यहां पे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो एक एच मैंने बाहर निकाल दिया, सिंगल बॉन्ड यहां पे क्या है CH, और एक यहां पे क्या है Br, और इसके साथ यहां पे क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो यानी कि एच और एच और एच, ठीक हो गया भाई। अब मुझे बताओ, मेरे पास दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन है, अगर ये अल्फा है तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, ठीक हो गया, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है, ठीक हो गया। और ले जाने वाला कौन है, -OET, तो देखो भाई ये -OET इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। देखो भाई, अगर इस वाले हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, सेडजेप प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेडजेप प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अगर ये वाला हाइड्रोजन गया तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखो भाई,
आपको डिसाइड करना है हॉफमैन बनेगा या सैटजैप बनेगा। देखो भाई यहां पे देखो भाई, NaOET जो है ये ना तो बल्कि है समाया, और ये लीविंग ग्रुप भी हॉफमैन वाला नहीं है, इसका मतलब यहां पे सैटजैप प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सैटजैप प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यानी कि ये वाला जाएगा अंदर और ये Br हो जाएगा बाहर। ठीक हो गया। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा इस तरह से, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन था यही एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहां पे क्या कर देगा? डबल बॉन्ड लगा देगा। तो यहां पे बनेगा यूं करके। ठीक हो गया भाई। तो ये तुम्हारा क्या बन गया है? ये तुम्हारा सैटजैप प्रोडक्ट बन गया है। कौन सा प्रोडक्ट बना? सैटजैप प्रोडक्ट बना, क्योंकि जो कंडीशन थी वो सैटजैप की कंडीशन थी। ठीक हो गया। तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखो भाई प्रोडक्ट बना देता हूं आप लोगों के लिए, ये वाला प्रोडक्ट बना, और ये कौन सा प्रोडक्ट है? सैटजैप प्रोडक्ट है, सैटजैप प्रोडक्ट है। ठीक हो गया भाई। मुझे पता था कि जो कंडीशन थी वो सारी सैटजैप के अकॉर्डिंग थी। ठीक हो गया भाई। देखो भाई ये LTMP है, इसको बोलते हैं बल्की बेस। क्या है ये? बल्की बेस है, बल्की बेस है। ठीक हो गया भाई। याद रखना ये जो THF है ये सॉल्वेंट है भाई। याद रखना ये जो क्राउन फोर यूज हुआ है वो इस लिथियम को रखने के लिए यूज हुआ है। ठीक हो गया। इस लिथियम का केस है। ठीक हो गया भाई। अगर बल्की बेस है तो क्या बनेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई? हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसको मैं यहां पर से क्या कर देता हूं, टू, और ये वाला आएगा एच। ठीक हो गया। दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है ना। ठीक हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, और ये वाला हो गया बीटा। अगर यहां से जाएगा, इस बीटा से जाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सेट जैप बनेगा। ठीक हो गया। और अगर ये वाला जाएगा, ये वाला बीटा, तो क्या बनेगा? हॉफमैन बनेगा। क्या बनेगा भाई? हॉफमैन। ठीक हो गया। अब बताओ हॉफमैन बनेगा या सेट जैप बनेगा? अगर मेरे पास बल्की बेस है तो हमेशा क्या बनता है? हॉफमैन बनता है। ठीक हो गया। तो ये इसको खींचेगा हाइड्रोजन को, ये वाला यहां आ जाएगा और ये Br बाहर चली जाएगा। ठीक हो गया। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बना वो बना CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया। ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? हॉफमैन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? हॉफमैन प्रोडक्ट बना है। ठीक हो गया। इतना मुझे आ गया है। अब एक और लास्ट बचा हुआ है, एक और लास्ट। ठीक हो गया। यहां पे देखना ये एक्वस है, ये क्या है? एक्वस है। और KOH एक्वस में मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। लेकिन लेकिन इतने को ही देख के डिसाइड मत करना। देखो नीचे क्या है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी है भाई। टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर, हाई। तो याद रखना इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो ये जो लिविंग ग्रुप है, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है, ये हॉफमैन का लिविंग ग्रुप है। ठीक हो गया। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा। ठीक हो गया। ये जो लिविंग ग्रुप है ये क्या कराता है? हॉफमैन एलिमिनेशन कराता है। ठीक हो गया भाई। तो मेरे पास एक बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है, ये तुम्हारा हो गया अल्फा। तो बताओ भाई क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये जो KOH है उससे जो OH माइनस है वो क्या करेगा? जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, हॉफमैन जो प्रोडक्ट है उसको बनाएगा, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई, ये वाला तुम्हारा बन गया ये। ठीक हो गया। और ये वाला ग्रुप यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये बना तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट। ये क्या बना भाई? हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक हो गया भाई। तो क्या बताया था मैंने इस वीडियो में? इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कब जाकर के सैटजैप प्रोडक्ट बनेगा और कब जाकर के हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक हो गया। हमारी शुरुआत हुई थी, हमारी शुरुआत कहां से हुई थी? हम तो सोच रहे थे सैटजैप रूल पढ़ने की, लेकिन लेकिन वहां पे दो प्रोडक्ट बन रहे थे। एक बन रहा था मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। क्या बन रहा था? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। और दूसरा क्या बन रहा था? लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। ठीक हो गया। तो मोस्ट को मैंने क्या बोल दिया? सैटजैप बोल दिया। क्या बोल दिया? सैटजैप बोल दिया। और लीस्ट को क्या बोल दिया? हॉफमैन बोल दिया, हॉफमैन। ठीक हो गया। हॉफमैन रिएक्शन में दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पे जो मैंने दिखाया है ऐसा नहीं है कि इस वाले में अगर हॉफमैन बन रहा है तो सैटजैप नहीं बनेगा। सैटजैप भी बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? कम बनेगा। जो मेजर प्रोडक्ट है उसको मैंने दिखा रखा है। ठीक हो गया। जैसे इसमें सैटजैप बन रखा है तो इसमें हॉफमैन भी बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या होगा?
माइनर होगा, तो इसलिए मैंने उसे नहीं बना रखा है, ठीक हो गया। बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, लेकिन मुझे मेजर वाला देखना है भाई कि कौन सा बनेगा, हॉफमैन बनेगा या सैटजर बनेगा, ठीक हो गया भाई। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।